मेरे दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 7.3 का जो एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का प्रश्न क्रमांक 4 को इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे। प्रश्न कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष इसी क्रम में इतना दिया हुआ है, इतना इतना और इतना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चतुर्भुज बना लेते हैं। तो एक चतुर्भुज हम ऐसे बना लेंगे, देखिए ऐसे हम एक चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक है, चतुर्भुज बनाएंगे, ए होगा कितना हो जाएगा -4, -2, बी हो जाएगा -3, -5 और सी हो जाएगा 3, -2 और डी हो जाएगा 2, 3। इस तरह से हो गया। ठीक है, इसका क्या कहा है कि इसका कहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हम लिखते हैं क्या, माना चतुर्भुज ए बी सी डी में शीर्ष, ठीक है, में शीर्ष ए, ए कितना दिया है -4, -2, बी दिया है -3, -5, सी 3, -2 और डी 2, 3 दिया है। ठीक है, इतना मतलब हमको यहाँ पर ये सारा चीज़ दे दिया है। अब क्या करना है ना, अब हम यहाँ पर आते हैं, अब हम क्या करते हैं, ये जो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, चतुर्भुज में कितने, मतलब अगर इस विकर्ण को इस विकर्ण से मिला देते हैं तो इसमें दो त्रिभुज का हमको निर्माण हो गया। ठीक है, अब दो त्रिभुज का जो निर्माण हो गया, इसमें क्या करते हैं, एक बार त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एक बार निकाल लेते हैं, एक बार ए डी सी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने पर, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का, तो ए हमको कितना दे दिया है -4, -2, बी कितना दे दिया -3, -5 और सी कितना दे दिया 3, -2। ठीक है, तो त्रिभुज का क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, इसे हम ट्रिक के माध्यम से फार्मूला को लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, एक्स वाई माइनस वाई लिखेंगे, फिर प्लस एक्स वाई माइनस वाई, फिर प्लस एक्स वाई माइनस वाई। अगर ट्रिक का फार्मूला आप नहीं देखे हैं तो आप इससे पहले जो 1 से लेकर 3 तक का वीडियो है आप उसे फॉलो करें, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर कैसे हम फार्मूला को बनाए हैं। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे 1, 2, 3, फिर लिखेंगे क्या 2, 3, 1, फिर लिखेंगे क्या 3, 1, 2। इस तरह से हम यहाँ पर क्या कर लिए, फार्मूला को लिख लिए। अब ये लिखने के बाद यहाँ देखिए, कुछ याद नहीं हमको, ज़्यादा कुछ रखना है, एक बार एक्स कोष्ट में लिखे वाई माइनस वाई, 3 बार ऐसे लिख लेना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमको 1, 2, 3 से शुरू करना है, 1, 2, 3, एक बार क्या करना है, इसके बाद 2 से शुरू करना है, 2, 3, 1, तो 2, 3, 1 हो गया। इसके बाद 3 से 3, 1, 2, तो 3, 1, 2। इस तरह से फार्मूला हमको यहाँ पर तैयार हो गया। और x1, y1, x2, y2 हम कहाँ से लेंगे, तो हमको लेना पड़ेगा, हमें यहाँ से ही लेना पड़ेगा जो ए बी सी का हमको वैल्यू 4 दे दिया है। इसको क्या करेंगे, x1 इसको y1, इसे x2 y2, यहाँ x3 और ये y3। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर 1/2 और ये ऐसे, x1 कितना हो गया तो -4 × y2 कितना हो गया तो -5 और माइनस, y3 कितना हो गया -2 ऐसे, फिर प्लस x2 कितना हो गया तो -3 और y3 कितना हो गया -2 और यहाँ क्या हो गया y1 -2, एक फार्मूला वाला है और एक ऐसे। ठीक है, फिर प्लस
एक्स थ्री कितना है तो 3, और वाई वन कितना है तो -2, और वाई टू कितना है तो माइनस इस प्रकार से 5, ऐसे हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और ऐसे क्या होगा -4, और कोष्ट में ऐसे लेंगे तो -5, और क्या होगा ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ 2 हो गया, यहाँ क्या होगा प्लस माइनस माइनस 3, और ये क्या होगा -2, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या हो गया 2, फिर प्लस हम लिखेंगे 3, और क्या होगा -2, और माइनस माइनस प्लस 5, और यहाँ क्या होगा ऐसे हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है लिखेंगे क्या 1/2 और -4, ठीक है, और गुणे, अब इसको जब घटाएंगे तो क्या होगा -3, फिर ये माइनस का माइनस 3 रहेगा, और गुणे इसे जब घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर प्लस 3 गुणे यहाँ क्या होगा 3, ऐसे हो गया। ठीक, इसके बाद क्या करना है 1/2, और यहाँ क्या होगा माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 4 × 12 माइनस, ये क्या होगा 0, और प्लस ये क्या हो गया यहाँ पर 9, इस तरह से। अब हम यहाँ क्या करेंगे 1/2 और गुणे, इस तो 0 का 0 रह गया, 12 9 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा तो 21, बराबर क्या होगा 21/2 वर्ग इकाई, ये क्या हो गया त्रिभुज ABC का ये क्या हो गया तो यहाँ पर ये क्षेत्रफल हुआ। अब हमें क्या करना है, अब निकालेंगे AD और C का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है ना, अब वीडियो में बने रहेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ अब, ठीक है, लिखेंगे अब, ठीक, अब ADC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक सूत्र होगा 1/2, और क्या होगा पहले लिखेंगे XY-Y, फिर XY-Y, फिर XY-Y, और इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3। ठीक है, देखिए हम कहाँ से शुरू किए, 1, 2, 3 से शुरू किया, अब एक छोड़ेंगे तो 2, 3, 1 लिखेंगे, 2, 3, 1 लिखेंगे, अब 2, 3, 1 लिख लिए, अब क्या करेंगे 3, 1, 2 लिखेंगे, 3, 1, 2 इस तरह से लिख लिए हम। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से तो लिखा गया, अब यहाँ जब लिखा गया तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर है कि ADC, तो यहाँ देख लेते हैं A कितना है तो -4, -2, D कितना है 2, 3, और C कितना है 3, -2, ऐसे है। अब यहाँ पर जब ऐसे दिया हुआ है, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3, ये ऐसे हो गया। ठीक है ना, अब ये ऐसे हो गया, अब क्या करना है हमको 1/2, अब यहाँ से हमको सब कुछ यहाँ प्राप्त कर लेना है, X1 कितना है -4, तो लिखेंगे -4, और कोष्ट Y2 कितना है तो Y2 3, और माइनस Y3 कितना है तो -2, ऐसे है, फिर प्लस X2 कितना है 2, और फिर क्या आ जाएगा Y3 -2, और यहाँ माइनस ये फार्मूला वाला -2, और एक 2 है Y1 का वैल्यू, फिर प्लस X3 कितना है तो X3 3 हो गया, और Y1 कितना है तो -2, और माइनस Y2 का वैल्यू कितना है तो 3, इस तरह से यहाँ पर हम ये बैठा लिए। बैठाने के बाद अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1/2 ऐसे -4, और एक बार और कोष्ट हम लेते हैं तो 3, और माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पर +2 हो गया, फिर +2 कोष्ट में -2, और माइनस माइनस प्लस यहाँ 2 हो गया, फिर +3, और इसे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा -2 और -3 क्या होगा -5 हो जाएगा, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे 1/2 से लिखेंगे -4 × 3 = 5, फिर +2 × ये क्या हो जाएगा 0, +3 × -5, ऐसे हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर 1/2, अब यहाँ क्या हो जाएगा -20, प्लस यहाँ क्या होगा 0, और ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 3×5 = 15 हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे 1/2, ठीक है, और गुणे -20,
और माइनस 15 कितना हो जाएगा, तो माइनस 35 हो जाएगा। अब क्या हो गया यहाँ, माइनस 35 बटे 2 वर्ग इकाई हो गया, ठीक है, वर्ग इकाई हो गया। अब क्या करना है, अब हुआ क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और प्लस ए डी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसे क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो गया, 21 बटे 2 और प्लस, और ए डी सी का क्या हो गया, माइनस 35 बटे 2। अब क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे 21 बटे 2 प्लस माइनस माइनस 35 बटे क्या होगा, 2। अब इसे क्या करना है, हमें यहाँ पर इसे बट्टा पर का घटाव करना है, जो कि आप वीडियो में बने रहेंगे, ठीक है। इतना हो गया, लेकिन एक बात थोड़ा सा समझ लेंगे कि कभी भी वर्ग इकाई जो होता है ना, वो माइनस में नहीं हो सकता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, प्लस में ही हो जाएगा। इसलिए कभी भी वर्ग इकाई को हम माइनस में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ प्लस होगा। और यहाँ क्या करेंगे, जब बटा वर्ग जोड़ करेंगे तो 21 प्लस क्या हो गया, 35। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 56 बटे 2 क्या हो जाएगा, यहाँ 28। तो बराबर हम लिख सकते हैं 28 वर्ग इकाई क्या हो गया, तो इसका यहाँ पर ये आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो यदि अच्छा लग गया होगा, इस समझ में आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, और वीडियो को जब तक देखेंगे, जब तक ये आपको बेहतरीन तरीका से समझ में नहीं आ जाता है, या नहीं तो क्या करेंगे, इसे स्क्रीनशॉट मार लेंगे अच्छे से, जिससे कि आप अच्छा खासा स्कोरिंग आप कर सकते हैं एग्जाम में।